एरिया ऑफ दिस फिगर, यहाँ पर हमको दो रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, इसको एरिया वन मानते हैं, इसको एरिया टू मानते हैं। 10 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 मीटर दिया हुआ है, 10 माइनस 3 आपका हो गया 7 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया वन लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 3 24 मीटर स्क्वेयर आ गया आपका। एरिया टू 7 इंटू 2 14 मीटर स्क्वेयर आपका आंसर आ गया। एरिया वन प्लस एरिया टू इज इक्वल टू 24 प्लस 14 38 मीटर स्क्वेयर। That's it.